ताइमी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आज मेरा अपॉइंटमेंट है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आप ताया अब्बू को बोलेगा कि वो वापसी में मुझे पिक करना। बेटा मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे साथ चली चलती। नहीं ताइमी, रूटीन चेकअप है, आ जाऊंगी थोड़ी देर में, आप परेशान नहीं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस खाना तैयार होने वाला है, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। ताइमी वक्त देखें, पहले ही देर हो गई है, डॉक्टर उठ जाएगी, आप फिक्र नहीं करें, मैं कह रही हूँ ना मैं आ जाऊंगी। अच्छा चलो फिर, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे ताया अब्बू को बता दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ताया अबू नहीं आए? नहीं, वो बिजी थे। मैंने कहा कि मैं ही तुम्हें पिक करूं। वैसे अच्छा चलो, आई होप के सब ठीक था। तुम्हारा चेकअप ठीक रहा ना? सब ठीक था। पता है क्या, मुझे तो खुशी हो रही है कि एटलीस्ट इस बहाने तुम घर से बाहर तो निकले। कब से मैं तुम्हें कह रहा था बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, लेकिन तुम घर से बाहर ही नहीं निकल रही। पता नहीं क्यों उमेर, अब मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। मैं एक इंसान पे जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती। प्लीज उमेर, तुमने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी है? क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है और मुझे पता है कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। उमेर प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं खाना है, तुम घर चलो। ना यार, सिर्फ तुम्हारे दिल की बात थोड़ी है, मुझे भी तो दिल चाह रहा है ना खाने का। प्लीज चलो यार। उमेर मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं खानी, प्लीज घर चलो। फातिमा देखो, हम यहाँ आइसक्रीम खाएंगे, थोड़ी सी अम्मी के लिए भी ले जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। चलो प्लीज आ जाओ। उमेर फातिमा चलो चलो आ जाओ भाई। चलो फातिमा।